हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको रेलटेल के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस रिजल्ट के बाद क्या इस शेयर में कितना अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है या फिर इस रिजल्ट के बाद आपको इसमें अपना जो शेयर आपने खरीद रखा है उसको बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर रेलटेल के जो नतीजे हैं वो एकदम बढ़िया निकल कर आए हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल के मुकाबले, मतलब जो पिछले साल का क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर वाला, अगर उससे अगर हम कंपेयर करें तो 61% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की बढ़ी है और जो टोटल प्रॉफिट है वो निकल कर आया है 69.66 करोड़ का। तो देखिए बहुत ही तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आई है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। रेवेन्यू देखिए 51.9%, मतलब इतनी सेल्स आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो टोटल सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिली है, मतलब जो रेवेन्यू है वो निकल कर आया है 410.6 करोड़ का। तो देखिए जो लगातार रेलटेल को ऑर्डर्स मिल रहे थे, और मैं आपको बता भी रहा था कि जिस तरीके से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है और वही आउट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और देखिए ऐसा ही नहीं है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन नहीं है। अगर हम पिछले क्वार्टर यानी कि जो जून से सेप्टेम्बर वाला क्वार्टर था, सॉरी जुलाई से सेप्टेम्बर वाला, अगर हम उससे कंपेयर करें तो उसके मुकाबले भी यहाँ पर 138% का ग्रोथ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है, जो कि बता रहा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर क्वार्टर 3 में रेलटेल ने किया है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इसका इसने जो आईपीओ से मतलब जब आईपीओ आया था इसका, तो आईपीओ इसका बाद में आया, इसका जो आईपीओ था वो फरवरी में आया है। तो ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ये आईपीओ से पहले का है। और देखिए अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, मतलब जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 2 को अगर हम क्वार्टर 3 से कंपेयर करें, तो उसमें भी हमको 45% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और देखिए एक्चुअली में ये 69.66 करोड़ गलत प्रिंट, मतलब मेरे जो टीम मेंबर है उससे गलती से मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। वैसे ये रेवेन्यू 410.6 करोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर रेलटेल के रिजल्ट्स एकदम बढ़िया निकल कर आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना बेहतर यहाँ पर इसने रिजल्ट पेश किए हैं। और मेन बात क्या, रेवेन्यू देखिए, अगर रेवेन्यू यहाँ पे 410 करोड़ का रेवेन्यू आया है तो इसका मतलब ये है कि जो कोविड की वजह से जो कंपनी के लिए जो थोड़ा सा बुरा समय कंपनी के लिए चल रहा था, तो वो यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली है। अब ये देखिए मार्केट कैप, देखिए 4388 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन लगातार इसमें हमको ग्रोथ नजर आ रही है। अब देखिए ये इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो आपको 3.20 यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो देखा जाए, मैंने आपको सुबह भी बोला था, मतलब जो इसको नए ऑर्डर मिला था उसकी वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें भी मैंने बोला था कि कम से कम मैं टेलीकॉम सेक्टर को प्राइस टू बुक के मामले में 5 टाइम्स मानकर चलता हूँ, और अभी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। तो मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो जो सेक्टर वाइज अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको अभी भी अंडर वैल्यूएशन पर रेलटेल का शेयर मिल रहा है। अब देखिए अगर हम पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा खासा रहा है, हर साल आपको 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। सिर्फ इस साल थोड़ा सा मतलब रेवेन्यू जो था वो कॉन्स्टेंट हो गया था और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो आपको यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन अगर आप पिछले साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 140 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा था, और जबकि इस बार एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 70 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है। तो देखिए 70 करोड़ यानी कि अगर हम कोविड को हटा दें, मतलब जो कोविड वाले लेवल्स थे उनको हटा दें, तो लगभग आपको यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल होती हुई नजर आ रही है, मतलब लगभग 280 करोड़ का प्रॉफिट अगर हम इसको ईयरली वाइज करें, मतलब 70 करोड़ × 4, तो देखा जाए तो 280 करोड़, मतलब पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस डबल हो सकता है अगर हम ईयरली वाइज बात करें तो। और ये देखिए 1160 करोड़
करोड़ का कंपनी का पिछले साल रेवेन्यू था, जबकि आप देखिए अभी 410 करोड़ का है। मतलब ईयरली बेसिस पर ये भी आपको 1600 करोड़ के लगभग का होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब पिछले साल के मुकाबले एक अच्छा खासा ग्रोथ, मतलब कम से कम 30-35% का ग्रोथ रेवेन्यू में भी हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर रेलटेल का जो अभी रिजल्ट आया है वो एकदम अच्छा आया है और आउट परफॉर्मेंस हमको साफ साफ रिजल्ट के अंदर नजर आ रहा है। अब अगर मैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन हमको इसमें देखने को मिल गया है। 30% इसने जो हाई बनाया था लगभग 190 का, उसके 30% आपको अभी करेक्शन पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए रेल, अगर आप IRCTC को अच्छा लगता है, अगर आपको IRCTC स्टॉक, तो मेरे ख्याल से रेलटेल भी आपके लिए एकदम प्यारा स्टॉक है। देखिए यहाँ पर रेलटेल कोई डिविडेंड भी कंसिडर करने वाला है, एक्चुअली मैं वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसका न्यूज अभी तक आया नहीं है, वो मैं आपके लिए कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए जो लोग भी यहाँ पे रेलटेल में लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और जो दूसरी बात है वो है क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज ही इसमें 7% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूं ये रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं, मेरे ख्याल से कल ये शेयर आपको आराम से 150 क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। और ये जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो मेरे ख्याल से ये जो रिजल्ट आया, पहले मेरा 155 का टारगेट था, जो रिजल्ट आया मेरे ख्याल से आप अपना टारगेट 165 भी कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। मुझे यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे मुझे कई गुना बेहतर यहाँ पे रेलटेल के रिजल्ट लगे हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रेलटेल के Q3 रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।